हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा लेडीज क्लासिक जो कोट होता है और एक बटन का। तो ये चेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, लेंथ हो गया, शोल्डर हो गया, बाजू हो गया और नेक हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे मार्क लगाना, फुल स्ट्रेट मार्क लगा देना है इस तरीके से। आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा वीडियो, तो स्किप ना करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैं बैक कटिंग ऑलरेडी कर लिया हूँ, तो आपको सामना सिर्फ कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे एक मारिक लगाना है। ठीक है, ये शोल्डर का मारिक लगाना है इस तरीके से। यहाँ पे एक मारिक लगाएंगे यहाँ से, और उसके बाद में दोस्तों आपको इसका लंबाई है, इसका मैं मेजर इसलिए यहाँ पे रख दिया हूँ आपको सामने मैं दिखा सकूँ, पूरा कंफर्म दिखा सकूँ। ठीक है, अब यहाँ से इसका लंबाई है 26। ठीक है, यानी 26 इंची है। तो 26 का यहाँ पे 1 इंची प्लस करके 27 इंची रखेंगे, प्लस 2 इंची मार्जिन दे देंगे। अगर आपको पास कपड़ा कम है तो 1.5 इंची मार्जिन दीजिए, और इस तरीके से यहाँ पर भी आपने सेम टू सेम मार्क लगा देना दोस्तों। अब सबसे मुश्किल काम क्या होता है दोस्तों, सबसे यानी ज्यादा मतलब वो है चेस्ट का हिसाब या मुंडा का रखने का। ठीक है, अब काफी सारे लोग क्या बोलते हैं कि इसका 38 है जैसे, तो इसका 9.5 इंची के ऊपर रख दीजिए। ठीक है ना, तो इसको 38 का 9.5 इंची के ऊपर नहीं रखना है, आपको यहाँ पे 9 इंची के ऊपर रखना है। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1.5 इंची ऊपर मार्क लगाना है। ठीक हो गया, आपको मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि काफी सारे लोग क्या बोलते हैं कि अगर बैक कटिंग कर ले तो बैक का सेम सेम मार्क लगाते हैं, तो वो मुझे समझ में नहीं आता है। तो आपको ज्यादा करके मेरा कोट जो देखेंगे तो बैक के हिसाब से मैं काटता हूँ। तो ये मैं नए तरीके से आपको बता रहा हूँ कि कई आदमी नए तरीके से सीखना चाहे तो वो किसी हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद में कमर का सेंटर जो है 15 इंची के ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से 15 इंची के ऊपर रख देंगे, और यहाँ से ये मार्क जो है ये फुल मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब सबसे आसान तरीके में मैं बता दूं, ठीक है, सबसे आसान तरीके में जिस तरह आप बैक का मार्क उठाते हैं इस तरह फोल्ड करके सेम टू सेम उठा देते हैं। ठीक है ना, तो सेम उसी तरह ये भी है, आपको उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वैसे उठाए। अगर कोई आदमी है कि कोई आदमी बोलते हैं कि मुझे बैक का सेम नहीं, इसको भी मारिक लगाना है। जैसे कोई कहीं पे नए आदमी जा रहे हैं वहां पे अगर पूछ से देश के सामना में किस हिसाब से मारिक लगाएंगे, अगर बैक को आदमी होता है ना जो बोलते हैं कि यार पहले मुझे बैक का ना लगाओ पहले फ्रंट का लगा, तो अगर आपको मालूमात नहीं रहेगा तो आप वहां पे फंस जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये भी तरीका बता रहा हूँ और वो भी तरीका बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे आसान तरीका यहाँ पे इसका बटन का मार्क लगाना है। बटन जो लंबाई 26 है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, 26 है तो ये 9 तिरका 27 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 9.25 के इंची के ऊपर एक मार्क लगाना है, और वहां से 2 इंची का एक मार्क लगाना है। ठीक है, 2 इंची का ये बटन का मार्क हो गया। अब उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ से ये मार्क लगाना है इसका बटन का मार्क। तो यहाँ से 9.25 इंची के ऊपर इसका पॉकेट का मार्क हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अब दोस्तों इसका सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम क्या है कि इसका 38 चेस्ट है और 14.5 इंची इसका गला है। ठीक है, तो मैं जो है बैक में इसका 2.5 एक लाइन काटा हूँ। ठीक है ना, यहाँ से देख लीजिए, 2.5 एक लाइन में काटा हूँ। तो अब इसका जो सामना जो है इसका मैं 4 इंची के ऊपर काटूंगा। ठीक है, यानी 1.5 इंची प्लस करके। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से 1/2 इंची का मार्क लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ से निपल जो है इस तरीके से ले लेंगे, और यहाँ से इस तरीके से मार्क लगाएंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपने 2.5 इंची का एक मार्क लगाना है, और यहाँ से आपने 2.5 इंची का। ठीक है, और इस तरीके से मार्क लगा देना है, और यहाँ पर भी ऐसे गुलाई कर देना है।
अब काफी सारे लोगों को मुश्किल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे गुलाई करते हैं और कोई आदमी सीधा रखता है, तो आपका जो जैसे सीधा चल रहा है तो सीधा रखे, और राउंड जा रहा है तो राउंड रखे। और उसके बाद में इसका साइज छोटा है तो इसका नेपेल जो है यानी ये 2.5 इंची का मार्क लगाएंगे, ठीक है, 2.5 इंची का, और ये इस तरीके से मार्क लगाएंगे, ये इस तरीके से मार्क लगाएंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये मैं पहले आपको सबसे आगे का मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं साइड का बताऊंगा, ठीक है, तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए फिर आपको मालूमात होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपने क्या करना, 2.25 इंची का मार्क लगाना है, ठीक है, 2.25 इंची मार्क लगा करके और इस तरीके से मार्क लगाए, ठीक हो गया। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ से इसको राउंड कर देंगे, हल्का राउंड। अब यहाँ से आपको 5.5 इंची इसका मार्क लगाना है दोस्तों, और 5.5 इंच लगा करके इस तरह डाउन करना है। अब हो गया इसका तख्ती जो है, इसका तख्ती किस हिसाब से रखेंगे, ये 38 है तो 9.5 इंची हुआ, ठीक है, तो 9.5 इंची में हमने इसका 1.5 इंची कम करना है, ठीक है, 1.5 इंची कम करके 8 इंची के ऊपर इसका तख्ती का मार्क लगाना है, ठीक है, इस तरीके से ये 8 इंची के ऊपर मार्क लगा दिए, और उसके बाद में इस तरीके से मार्क लगा दिए। अब दोस्तों इसका क्या करना है, सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम क्या है, से यहाँ से आपको इसका हाफ करना है, हाफ करके प्लस 1/2 इंची आगे की तरफ एक मार्क लगाना है, और ये मार्क जो है ना आपको फुल मार्क लगाना है इस तरीके से, ठीक हो गया। और उसके बाद में यहाँ से भी ये मार्क लगाए, ये पॉकेट का मार्क हो गया, ये इसका जोड़ का मार्क हो गया यहाँ से, और इस यहाँ से आपने इसको सेंटर कर लेना है दोस्तों, यहाँ से सेंटर करके 3.5 इंची के ऊपर, और उसके बाद में इस तरीके से। तो दोस्तों मैं जो है ना आसान आसान जो है ना स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, तो आप पूरा अगर वीडियो देखेंगे फिर जा करके आपको पूरा मालूमात होगा, नहीं तो आप जो आधा देख रहे हैं बीच में से देख रहे हैं तो ये हमारे किस हिसाब से लगाए, ये हमारे किस हिसाब से लगाए, तो आपको कुछ मालूम नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर मेरा कटिंग देख रहे हैं तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको ए से जेड तक आपको मालूमात हो सके। तो आपको लेडीज कोट और भी चाहिए इससे आसान आसान तरीका, और लॉन्ग कोट का जो डबल ब्रेस का, तो मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा स्मार्ट फैशन स्ट्रीट में। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप सब से जुड़े रहे, और लेडीज जेंट्स आप दोनों कटिंग मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका जो है ना चेस्ट का मार्क लगाएंगे, तो यहाँ से 38 इंची है, ठीक है, तो यहाँ से 38 इंची है, इसका बैक है 8 इंची, तो बैक को पहले ये जो मार्क है फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट मार्क लगा है यहाँ से 8 इंची रखेंगे, और ये इसका देखिए ये 19 हो गया, ठीक है, ये 19 दुना 38 इंची हो गया, ठीक है ना, तो इसमें हमको मार्जिन कितना देना है, 1, 2, 3, ठीक है। काफी सारे लोगों को मैं जैसे मैं फर्स्ट में बता देता हूँ, यहाँ से 3 इंची रखे और 2 इंची रखे, 2.5 इंची रखे, तो उनको मालूमात नहीं होता, इसलिए मैं आपको ये आसान तरीका मैं बता दिया कि यहाँ से ये 19 दुना 38 इंची हो गया प्लस 1, 2, 3। अब इसमें भी दोस्तों आपको क्या करना है, काफी सारे लोग क्या करते हैं ज्यादा स्लिम फिट दे देते हैं, ज्यादा लूज फिट दे देते हैं, ठीक है, तो आपको जो है ना ये नॉर्मल तरीके से आपको 3 इंची रखना है, ठीक है, ये आपको ना ज्यादा फिटिंग होगा ना ज्यादा आपको लूज होगा, इस हिसाब से आपको रखना है। उसके बाद में ये जो वेस्ट है ये 7 इंची है, तो यहाँ से 7 इंची रखेंगे, और ये 31 इंची है, तो 15 दुना 30 प्लस ये 31 हो गया। अब इसमें भी आपको 3 इंची देना है, 1, 2, 3, ठीक हो गया। उसके बाद में आपको हीप का नाप है, हीप है 38 इंची, तो यहाँ से इसका हीप का भी नाप 38 इंची रख देना है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको ज्यादा मुश्किल क्या होगा,
कि ये जो बहुत अंदर की तरफ आ रहा है, आपका स्केल जो है ना इस तरह नहीं बैठेगा, ठीक है ना। तो लेडीज कोट का मतलब यही होता है कि शेप जो है ना, ये शेप बहुत ज्यादा मुश्किल होता है लेडीज कोट में, क्योंकि लेडीज कोट ऐसा चीज है कि आपको ना उसको मिलाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि चेस्ट का वेस्ट का बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से 1 इंच ज्यादा करना है, ठीक है। 1 इंच ज्यादा करके इस तरह से देखना है कि मेरा शेप सही आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपको शेप सही नहीं आ रहा तो यहाँ पर भी आपको बढ़ाना और पड़ेगा, ठीक है। बढ़ाने के लिए तो ये बढ़ा देंगे दोस्तों। अब इसका जो हिसाब है, इसको कहाँ पे हम कम करेंगे, बैक में कम करेंगे, साइड में कम करेंगे, कहाँ किस जगह के ऊपर हम कम करेंगे, ताकि मेरा साइज भी सही है और ज्यादा लूज भी ना हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपको साइड में और जो डार्ट है, डार्ट में आपको कम करना है। तो डार्ट में आपको क्या करना है, ये जो मारिक है यहाँ से आपने 1 इंची का मारिक लगाना है, ठीक है। और 1 इंची का मारिक लगा करके और इस तरीके से मारिक लगाना है, ठीक हो गया। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंची का मारिक लगाना है और ये जो 8 इंची का मारिक है यहाँ से फुल मारिक लगाना है। ये सबसे मुश्किल और सबसे आसान मैं कोट आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे कोट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, मेरे चैनल के ऊपर ही मिलेगा आपको ऐसे ऐसे कोट कटिंग करना। अब यहां से ये गुलाई कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद में यहां से ये गुलाई कर देंगे। तो दोस्तों यहां से जो 1 इंची रखे हैं, अब यहाँ पे 1/2 इंची ऊपर मारिक लगाएंगे और इस तरीके से मारिक लगाएंगे। तो दोस्तों मेरा चैनल के ऊपर जेंट्स और लेडीज दोनों कटिंग मिल जाएगा बहुत ही आसान आसान तरीके से। तो आप सब मुझे सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें, ताकि मैं इसी तरह और भी वीडियो बनाऊं। तो आप सब मेरे चैनल से जुड़े रहें और मुझे सपोर्ट करें, और कमेंट करके बताएं आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है, और कोई ऐसा मुश्किल हो रहा है तो आप जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा इसका हिसाब बता दूं। उसके बाद में यहाँ से ये इस तरीके से मारिक लगाना है और यहाँ से भी इस तरीके से मारिक लगाना है। आपको पूरा मैं क्लियरली बता रहा हूँ, आपको पूरा नाप भी साथ में है, आपको नाप के साथ में पूरा मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ताकि आपको ज्यादा करके मुश्किल ना हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से नाप लेना है, यहाँ से इसका है 11.5 प्लस 2 इंची मार्जिन, इस तरीके से। अब ये जो मार्जिन 1 इंच रखे हैं, इसको भी आपको कम करना है, तो यहां से कम करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि लेडीज कोट जो दोस्त ऐसा चीज है जो हर एक आदमी नहीं काट सकते, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो ऐसा चीज है से आदमी लोग जो है ना ज्यादा करके लेडीज कोट नहीं काटते। आप काफी लोगों को सर्च मार, क्योंकि ये जो मारिक है, ये मारिक बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आदमी को बोलता है यार इतना मारिक है, किस हिसाब से लगाए हैं, कैसे लगाए हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरा मालूम हो जाएगा। तो आप सब पूरा का पूरा वीडियो देखें। अब दोस्तों अब इसका जो मारिक है, ये मारिक लगा दिए, अब यहाँ से इस तरीके से मारिक लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि इसको अपने सिलाई करना है, तो सिलाई करके। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आप ये कटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं 9 इंची के ऊपर गिराया था इसका, लेकिन 9 इंची इसके क्यों मैं गिराया था, इसका मैं 1 इंची कम करके, ठीक है ना, 1 इंची कम करिए, 8 इंची आपको तैयार होगा, ठीक है, 8 इंची, 1.25 इंची तैयार होगा। आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो ना 1.25 इंची सिलाई जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक यानी ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे चीज मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे फिर जा करके आपको मालूमात होगा। और इसका कटिंग भी देख लीजिए, आपको कटिंग जो है ना कहाँ कहाँ पे इसका मार्जिन रखना है और कहाँ पे इसका मार्क। तो दोस्तों आप सब कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों के क्या मुश्किल है और क्या आसान है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपको मैं पूरा A से Z तक मैं बना दूं।
अब इसको यहाँ से इस तरीके से कट इन करना है, और उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से अब ये जो है दोस्त, ये सामने की तरफ आपको क्वार्टर इंच मार्जिन देना है। और उसके बाद में नीचे जो है ना लाइन के ऊपर कट इन कर देना है। अब साइड में आपको जितना मार्जिन देना है, 2 इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, जितना भी आपको मार्जिन देना है। अब यहाँ से इस तरीके से काटेंगे। और यहाँ से भी इस तरीके से। तो दोस्तों आप सब कमेंट जरूर करें, और मेरा चैनल के ऊपर नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही आपको इस तरीके से दोस्तों आपको कटिंग करना है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये आपका पूरा ये सिलाई होगा, ठीक है? तो आप चाहे तो पहले इसको कट इन कर लीजिए। ये पूरा सिलाई होगा, उसके बाद में ये ज्वाइंट। तो दोस्तों आप सब लाइक शेयर जरूर करें, और मेरा चैनल के ऊपर नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आपको मैं पूरा A से Z तक आपको लेडीज कोट का बता दिया हूँ, तो आप देखें और मुझे सपोर्ट करें, 1 बटन का है। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।